बम बम भोले के जयकारों के साथ निकाली गई कांवड़ यात्रा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में सावन के तीसरे सोमवार को भोले भक्त समिति द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ सुबह 6 बजे सिद्ध क्षेत्र सीकरेली धाम स्थित बावड़ी का जल लेकर कांवड़ का विधि विधान से पूजन किया गया एवं कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांवड़ यात्रा का स्वागत मुख्य बाजार में ग्राम पंचायत द्वारा तिलक लगाकर एवं श्रीफल देकर किया गया। कांवड़ यात्रा डीजे की धुन पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए बम बम भोले के जयकारों के साथ मुख्य बाजार से होते हुए फार्म चौराहे मथुरापुर जालौन भाल बमोरा किसनौदा नारोदा होते हुए लगभग 22 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा कर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचेगी, जहां भोलेनाथ का जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा समाप्त होगी। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। भाल बामोरा में श्रद्धालुओं द्वारा सभी कांवड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं ग्राम किसनौदा में जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरबार द्वारा कांवड़ियों का पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं बच्चे सहित श्रद्धालु चल रहे थे। इस दौरान पठारी पुलिस की व्यवस्था में सहयोग रहा। कांवड़ यात्रा में सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी, जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व जनपद सदस्य राजेश रिछारिया, अनिल जैन, युगल किशोर व्यास, राज किशोर सिंह ठाकुर, अजय ठाकुर सहित आदि गणमान्य नागरिक श्रद्धालु मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। पठारी धार्मिक नगरी करेली धाम से निकली है और जो नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर जा रही है, करीबन 22 किलोमीटर का पैदल सफर तय भक्त कर रहे हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। नगरी से जाना जाता है और यहाँ हमारे नए युवकों ने इस विचार से कांवड़ यात्रा निकालने धार्मिक नगरी उदयपुर पहुँचने के लिए भोलेनाथ को अपने करेली धाम से जल भरकर भोलेनाथ का सवार अभिषेक करने के लिए एक कांवड़ यात्रा निकाली है और एक अधिक मास के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा निकाली गई है और पहली बार निकाली गई है। और ऐसा नए युवकों में जूझ रहा तो हर सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और कांवड़ यात्रा में हर एक गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, हम लोगों का सबने स्वागत किया। जारोली, मथुरापुर, जायजौन और भालमोरा, सूजा, यहाँ पे आगे भी जो गांव है वहाँ पे भी सब कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है।